सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर भागलपुर के सीढ़ी घाट, बरारी घाट और अन्य घाटों से हजारों डाक कांवरिये बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए रवाना हुए। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों से जल भरकर झारखंड स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम, गोड्डा स्थित शिव शक्ति मंदिर और गोनू बाबा धाम जैसे पवित्र स्थलों पर जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। मान्यता के अनुसार ये डाक कांवरिये 24 घंटे के भीतर बाबा बासुकीनाथ सहित अन्य मंदिरों में जल अर्पण करते हैं। वहीं कांवरियों की इस भारी भीड़ को देखते हुए सड़कों पर कई सेवा समितियों द्वारा जल शरबत और फलाहार की सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं भीड़ की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की है ताकि कांवरियों की यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज से देवघर तक सावन महीने में कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, जहां एक से बढ़कर एक आकर्षक कांवर और शिव के भक्त देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे खास है कि पश्चिम बंगाल से आए शिव भक्तों की टोली जो केदारनाथ मंदिर के आकार की कांवर लेकर सुल्तानगंज पहुँची है। इस अद्वितीय कांवर ने कच्ची कांवरिया पथ पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दरअसल शिव भक्तों ने अपने कंधों पर केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक रूप उठाया हुआ है और उनके सीने पर महादेव की तस्वीर छपी हुई है। यह अनोखा दृश्य श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस आकर्षक कांवर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांवरिया पथ पर इस अनोखे दृश्य ने सावन के माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया है। महादेव को तो खुद से भी ज्यादा मानते हैं, मतलब महादेव के लिए सब कुछ है, महादेव ही सब कुछ है हम लोगों का। कब से जा रहे हैं आप लोग? हम लोग, मेरा तो 5 साल हो गया, बाकी दोस्त लोग पहले से जाता था। अभी केदारनाथ ले जा रहा है, बहुत खुशी हुआ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ केदारनाथ के साथ मेरे भाई लोग है और सब जा रहे हैं बैद्यनाथ, उधर जाएंगे, पानी डालेंगे एक साथ, बाबा देगा सर पे भी हाथ। हाँ, जाएंगे साथ, सब साथ नाचेंगे घूमेंगे। बोल बम कहीं नारा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में भागलपुर जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में पहली बार आधिकारिक रूप से तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन कोसी स्नातक क्षेत्र के MLC डॉक्टर एन के यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी इस आयोजन में सह आयोजक के रूप में शामिल रही और डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागलपुर तैराकी संघ के सचिव दीपक ने बताया कि डॉक्टर अजय सिंह ने संघ के संरक्षक के रूप में तकनीकी पहलुओं को छोड़कर बाकी सभी जिम्मेदारियों को संभाला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह के अमूल्य योगदान के बिना इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन संभव नहीं था। वहीं प्रदेश तैराकी संघ के सचिव ने भी डॉक्टर अजय सिंह के साथ साथ स्विमिंग पूल संचालक के योगदान की सराहना की, जिन्होंने मुफ्त में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। बता दें कि प्रतियोगिता में 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के ऊपर तक के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं डॉक्टर एन के यादव ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में स्वाभाविक तैराक है जिन्हें सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इसमें डॉक्टर अजय सिंह और उनकी सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर कई सम्मानित व्यक्तियों ने प्रतियोगिता के उद्घाटन और पुरस्कार वितरण में भाग लिया, जिनमें उदाकिशुनगंज के SDO भागलपुर तैराकी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, विश्वविद्यालय क्रीड़ा सचिव प्रोफेसर जयशंकर ठाकुर, ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इन सभी अतिथियों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तैराकों का मनोबल भी बढ़ाया। इस बार तो इसीलिए हो पाया है कि यहाँ स्विमिंग पूल जो है पहली बार, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, तो स्मार्ट सिटी के द्वारा एक अच्छा अचीवमेंट है। और भागलपुर तैराकी संघ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पहचाना और हमें कहा कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए, और हम लोग अभी संगठित रूप से अभी मजबूत नहीं है। ऐसे संघ कई वर्षों से यहाँ है, जैसा डॉक्टर संजय सर ने कहा, तो काफी 15 दिनों से हम लोग लगे हुए थे और दूर देहात के बच्चे इसमें काफी आए हैं। चूंकि हमारा सामाजिक संगठन है जीवन जागृति सोसाइटी के तहत, हम लोगों ने मदद किया है। आयोजक तो तैराकी संघ भागलपुर ही है और
इस तरह से हम लोग तो गंगा किनारे गांव है, यहां से कहलगांव और सुल्तानगंज तक हम लोगों ने सारे जगह प्रचारित किया, लोगों को भेजा और वहां से लोगों को बुलाया। ये एक हम शुक्रगुजार हैं कि ये पहली बार भागलपुर में जो तैराकी का प्रतियोगिता हो रहा है, ये एक शुरुआत है, ये सूत्रपात है और उम्मीद करते हैं कि ये हर साल होगा और जो गंगा किनारे जो लोग बसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बसे हैं, उनका खेल का मैदान ही गंगा है और उसमें स्टेमिना की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन उसको उचित न्यूट्रिशन, उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की जरूरत है। और ये मार्गदर्शन जब सब मिलकर हम लोग शहरवासी हम लोग इसमें बढ़ाएंगे तो ये क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या अन्य खेलों के से ज्यादा ये विस्तार करेगा। भागलपुर के जीरो माइल स्थित बाबू जगदेव मेमोरियल हॉस्पिटल का रविवार को भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, चिकित्सक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि यह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सभी विभागों के डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आईसीयू जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। वहीं अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि बाईपास रोड पर स्थित इस अस्पताल का उद्घाटन इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीओ मामलों में इलाज में देरी के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए इस अस्पताल में बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के समय पर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर अस्पताल के ओनर को भी बधाई दी गई, साथ ही भारी संख्या में लोग उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। क्या सुविधा? मेमोरियल हॉस्पिटल का बाईपास रोड में है और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें सब डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठेंगे, ऑर्थो, सर्जरी, गायनी, मेडिसिन, सारी आई सी यू की भी सुविधा है इसमें। और हमको लगता है कि इस एरिया के जो लोग हैं उनको इसकी सुविधा मिलेगी और हमारे भागलपुर शहर को इस तरह के हॉस्पिटल का जरूरत भी है। मैं इनके ऑनर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ। इस हॉस्पिटल में आई सी यू की व्यवस्था है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे हाईवेज है तो उस तरह लोग को जाना पड़ेगा दूर, तो पास में ही उनको हर चीज़ का सुविधा मिल जा रहा है। और यहाँ से वो कहीं रेफर होने के लिए भी जब स्टेबल होंगे तभी होंगे रेफर हो सकते हैं। तो आई सी यू की सुविधा और इस बाईपास रोड में होना बहुत बड़ी बात है। बाल बाल झर रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर में आयोजित जन स्वराज पार्टी के आधिकारिक संगठन घोषणा कार्यक्रम में सम्मान के लिए आपसी संघर्ष छिड़ गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो बिहार में परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, उनके नेतृत्व में हो रहे इस पहले संगठन विस्तार कार्यक्रम में ही विवाद उत्पन्न हो गया। कार्यक्रम में भागलपुर के एक निजी होटल में कई नेता और जन स्वराज पार्टी के सदस्य शामिल हुए। जैसे ही संगठन की आधिकारिक घोषणा हुई, संगठन के नए पदाधिकारियों को लेकर नाराजगी और विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करते हुए दूर दराज के लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए जाने पर असंतोष फैल गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोग कार्यक्रम छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल प्रशांत किशोर द्वारा युवाओं और सम्मान की बात करने के बावजूद जन स्वराज पार्टी के इस पहले ही कार्यक्रम में आपसी मतभेद और सम्मान के लिए संघर्ष ने पार्टी के अंदरूनी हालात को उजागर कर दिया है। कहलगांव सनौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र बुद्धूचक गांव में शनिवार को हुए वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मृतक का नाम दिनेश महतो बताया जा रहा है, जो धान रोपनी के दौरान अपने परिवार के साथ
काम कर रहा था, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जोरदार गर्जना और बारिश शुरू हो गई। इससे बचने के लिए लोग एक आम के पेड़ के नीचे शरण लेने पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश बिजली गिरने से दिनेश महतो की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल भी हो गए। वहीं घायलों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। वहीं घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना, हम लोग बारिश हुआ, हम लोग आ रहे थे, आने लगे, सोचे अब जाएंगे, सब सामान उमान रेडी करने लगे, इतने में कोई इधर फेंका गया, कोई उधर, अचानक आया तो अचानक से आप भी थे वहाँ पे? आप भी थे? हाँ, हम साथ में थे, मेरा पूरा परिवार। जगह नहीं कीजिए, कहाँ का घटना, कहाँ का है? बुद्धू चक्का। बुद्धू चक कौन पंचायत पड़ता है? बड़ी नदी। बड़ी नदी। भागलपुर जिले के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। किशनदासपुर चौक पर एक युवक को पीटते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी युवक को बुरी तरह मारते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने बुद्धूचक थाना को एक बार फिर से चर्चाओं में ला दिया है। बता दें कि कुछ समय पहले इस थाना से दलालों द्वारा पैसे उगाही का मामला भी सामने आया था और अब पुलिस की गुंडागर्दी की खबर ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब यह देखना होगा कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।